अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आसान तफसीरुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 27 का लफ्ज़ी और बा मुहावरा तर्जमा, और इसकी इंशाअल्लाह आज हम तफसीर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आयत मुबारका पढ़ते हैं, फिर उसका तर्जमा करेंगे और उसके बाद तफसीर करते हैं। तो आएँ सबसे पहले तिलावत समाअत फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। با محاورہ ترجمہ۔ और नहीं गुमराह करता इससे मगर नाफरमानों को वो जो तोड़ते रहते हैं अहदे खुदावंदी को उसे पुख्ता बांधने के बाद, और काटते रहते हैं उसे। हुक्म फरमाता है अल्लाह ताला, हुक्म फरमाया अल्लाह ने जिसके जोड़ने का, और फसाद मचाते रहते हैं ज़मीन में, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा, अल्लदीना वो लोग जो यनकुदूना तोड़ते रहते हैं अहदल्लाही अल्लाह के वादे को या अहदे खुदावंदी को, मिम बादी इसके बाद, मीसा की ही उसे पुख्ता बांधने के बाद, वयक्तऊना और वो काटते रहते हैं माँ उसको अमरा हुक्म फरमाया अल्लाहु अल्लाह ने भी ही जिसके, अयूसला जोड़ने का, वयुफ़सिदूना और फसाद मचाते हैं फिल अर्दी ज़मीन में, उलाइका वही हुमुल खासिरून नुकसान उठाने वाले हैं। यह सूरह बकरा की आयत नंबर 27 थी जिसमें हमने लफ्ज़ी और बा मुहावरा तर्जमा पढ़ा। अब इस आयत का पहली आयत से क्या ताल्लुक है? तो पहले फरमाया गया था कि रब इन मिसालों से बहुत से लोगों को गुमराह करता है, गुमराह फरमाता है, मगर उन लोगों की तफसील बयान नहीं फरमाई थी कि किन को गुमराह करता है इन मिसालों के ज़रिए। तो अब अल्लाह ताला उनकी तफसील बयान फरमा रहा है, मगर चूंकि गुमराहों की तफसील से हिदायत वालों की तफसील खुद ब खुद हासिल हो जाएगी, इसलिए इनकी तफसील ना फरमाई। यानी जिन लोगों में ये मज़कूरा ऐब हैं वो तो इससे गुमराह होते हैं, और जिससे मालूम हुआ कि जिनमें ये उयूब ना हो वो हदायत पा जाते हैं। अब यहां पे अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमा रहा है अल्लज़ीना यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादी मीसाकी, वो जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, तोड़ देते हैं पक्का होने के बाद। अब यहाँ से फासिकीन की इलामात को बयान किया जा रहा है। जिन फासिकीन का यहाँ ज़िक्र है, यानी कुरान पाक की अमसाल पर एतराज़ करते हैं, कुरान करीम के अहकाम पर, अहकाम पे एतराज़ करने वाले कुफ्फार, और तमाम कुफ्फार की यही अलामात हैं। इनमें से पहली अलामत उनकी ये बयान की गई कि वो अल्लाह ताला के वादे को तोड़ देते हैं, हालाँकि पहले पक्का वादा कर चुके होते हैं फिर उसको बाद तोड़ते हैं। तो यनकुदूना ये नकज़ा अगरचे ज़ाहरी अजसाम की तरकीब को तोड़ने का नाम है, जिस तरह रस्सी बटी हुई हो तो उसे उधेड़ दिया जाए, या कि कोई इमारत तोड़ दी जाए, लेकिन मजाजी तौर पर अहद के तोड़ने को भी यनकुदून से ताबीर किया गया है। गोया के वादा करने वाले एक दूसरे के दरमियान वादे से इस तरह ताल्लुक जोड़ते हैं जिस तरह रस्सी दो चीज़ों को एक दूसरे से मिलाने का ज़रिया बनती है। अब यहाँ पे अहदा जो ज़िक्र किया गया है, तो दो आदमियों के दरमियान पुख्ता वादे जो तय होते हैं और उसकी हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी पाई जाए, और वादा मुतलक वादा करने को कहा जाता है, ख्वाह वो खैर हो या शर हो, पुख्ता हो या ना हो। और वईद का इस्तेमाल सिर्फ शर में होता है, खैर में नहीं होता। यानी अजाब वगैरह देने के वादे को वईद
आम तौर पर कहा जाता है और मीसाक उस वादे को कहा जाता है जिसमें कसम भी पाई जाए, लेकिन यहाँ सिर्फ पुख्ता वादा मुराद है, इसके साथ कसम का पाया जाना मुराद नहीं है। अब अहदल्ला यानी अल्लाह के जो वादे हैं तो कौन से वादे हैं या कौन सा वादा मुराद है? तो इसमें अगरचे मुख्तलिफ अकवाल हैं लेकिन वो तमाम ही मुराद हैं, क्योंकि फासिकीन से मुराद जब तमाम काफिर हैं तो यकीनन यहाँ भी वही मुराद होंगे, वही वादे मुराद होंगे, इसलिए कि फासिकीन की सिफात तो बयान हो रही हैं लेकिन वो जिन वादों का इनकार करते हैं उनकी वजह से दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे वादे तरतीब से या वो जितने कौल बनते हैं वो सारे अकवाल तरतीब से हम आपके सामने बयान करते हैं। पहला कौल ये बनता है कि जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करे, अल्लाह ताला के नबी या अल्लाह के नबी के किसी खलीफा यानी उलमा जो अंबिया के वारिस हैं उनके हाथ पर बेयत करे, अल्लाह ताला के नबी को इसका भेजा हुआ रसूल और उसी ज़ात बारी ताला का नायब तस्लीम कर ले और अल्लाह ताला से वादा कर ले कि जो तेरी तरफ से अहकाम हम तक तेरे नबी के वास्ते से पहुँचे हैं हम इन्हें तस्लीम करते हैं और इन पर हमेशा के लिए अमल जारी रखेंगे, फिर वो अल्लाह ताला के रसूल की सोहबत में आ गए या अल्लाह के नबी के किसी खलीफा यानी उलमा की सोहबत में आकर सीरत की कुतब का मुताला करें या कुरान या हदीस के मसाइल जो है वो उलमा से सीखें और अंबियाए किराम के मौजज़ात और औलियाए किराम की करामात पर मुत्तले हों, फिर अपने वादे को और पुख्ता कर दें और दीन इस्लाम पर कायम रहने में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारें और इस वादे को और पुख्ता कर लें, लेकिन इस हालत के बाद यानी अंबियाए किराम औलियाए किराम को मानने के बाद उलमा के साथ वादा करने के बाद अपने इस वादे को पुख्ता करने के बाद इस हालत के बाद अगर इस शख्स के दिल में माज़ अल्लाह शरीयत के अहकाम में शक पैदा हो गया या इसने अहकाम शरिया में तानो तशनी शुरू कर दी तो यकीनी बात है कि वो अकल और शरीयत से दूर हो गया और वो गुमराही के आला दर्जे पर पहुंच गया यानी वो पागल और काफिल यानी वो पागल हो गया और वो दारा इस्लाम से खारिज हो गया। तो ये पहला कौल है। दूसरा कौल, इस अहद से मुराद अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला यानी तर्जमा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, उन्होंने कहा क्यों नहीं, तो ये अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला वाला वादा है यानी दूसरा कौल ये है। और मुसनद अहमद में एक तवील हदीस है मिशकात बाबुल ईमान बिल कद्र में मजकूर है जिसका कुछ हिस्सा यहाँ पे जिक्र कर दिया जाता है। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, ये आया करीमा के मुतालिक इरशाद फरमाया रब ने सबको जमा किया और उनको जोड़े बनाया, फिर उनको सूरतें अता कीं, फिर उनको बोलने की ताकत दी और उनसे कलाम करने के मुतालिक फरमाया तो उन्होंने कलाम किया, फिर रब तआला ने उनसे अहद व मीसाक लिया यानी पुख्ता वादा किया और उनको ही इनके नफ्सों पर गवाह बनाया और फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो सब ने यक जुबान हो के कहा कालू बला, उन्होंने कहा क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तो रब ने कहा मैं तुम पर 7 आसमानों 7 ज़मीनों को गवाह बना रहा हूँ और मैं तुम पर तुम्हारे बाप आदम को गवाह बना रहा हूँ, तुम क़यामत के दिन कहोगे कि हमें तो इस अहद व मीसाक का इल्म ही नहीं, यकीन कर लो जान लो मेरे बगैर कोई माबूद नहीं, मेरे बगैर कोई रब नहीं, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अपने रसूल भेजकर और किताबें नाजिल करके तुम्हें मेरे साथ किए हुए तुम्हारे अहद व मीसाक यानी वादे को याद दिलाता रहूँगा। तो इस वक्त अल्लाह ताला से वादा करते हुए सब ने कहा था कि हम गवाही देते हैं बेशक तू ही हमारा रब है, हमारा अल्लाह है, तेरे बग़ैर हमारा कोई परवरदिगार नहीं और तेरे बग़ैर हमारा कोई अल्लाह नहीं। तो इस वादे को पुख्ता करने का मतलब भी हदीस पाक से वाज़े हो गया है और इनको अपने नफ्सों पर गवाह बनाकर इनसे पुख्ता वादा करा लिया गया और इनकी तरफ रसूल भेजकर और किताबें नाजिल करके
इसमें और पुख्तगी पैदा कर दी गई, लेकिन इनमें से बाद ने इस वादे को तोड़ दिया और कुफर की राह इख्तियार कर ली। तीसरा कौल वो ये है कि जिस वादे को तोड़ने का यहाँ जिक्र हो रहा है, ये वो वादा है जो तौरात में अहले किताब से लिया गया कि जब नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो उनके वो औसाफ बयान करना जिनका जिक्र तौरात में मौजूद है, तो उनकी इमदाद करना यानी उन पर ईमान लाकर उनकी मुआवनत करना, उनकी मदद करना। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ। और याद करो जब अल्लाह ताला ने अहद लिया, वादा लिया उनसे कि जिन्हें अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई या जिन्हें किताब अता हुई कि तुम ज़रूर ऐसे लोगों से बयान कर देना और ना छुपाना, तो उन्होंने इसे पीठ के पीछे फेंक दिया। लेकिन उन्होंने इस वादे को तोड़ दिया, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ़ को छुपाया और तब्दील कर दिया और आप पर ईमान ना लाए और ना ही आपकी कोई मुआवनत की, ना ही आपकी कोई मदद की, बल्कि कुफर और निफाक इख्तियार कर लिया। चौथा कौल ये है कि इस मीसाक से मुराद वो दलाइल हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कायम फरमाए हैं, जो ज़ाते बारी ताला की तौहीद पर दलालत कर रहे हैं। इसको वहदहू ला शरीक लहू यानी एक माना जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए माना जाए। तो ये सारे दलाइल हैं जिनको माना जाए, तो वो दलाइल अता करके गोया इनसे वादा लिया गया कि इन दलाइल पर नज़र व फ़िक्र करते हुए मेरी तौहीद पर ईमान लाना, मेरे रसूलों को सच्चा मानना। लेकिन कुफार ने अल्लाह ताला की कुदरत के रोशन दलाइल को और अंबिया इकराम के मौजज़ात को देखने के बावजूद ईमान ना लाकर अल्लाह ताला के वादे को तोड़ दिया। पांचवा कौल ये है कि इससे मुराद वो लोग भी हो सकते हैं जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व अक्सम बिल्लाही जाहदा ईमानहिम लइन जा अहम नज़ीरुल यकू लयकूनुन्ना अहदा मिन इहदल उमम फलम्मा जाअहुम नज़ीरुम मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा। और उन्होंने अल्लाह की कसम उठाई अपनी कस्मों में से या अपनी कस्मों में हद से ज़्यादा कोशिश की कि अगर इनके पास कोई डर सुनाने वाला आया तो वह ज़रूर किसी न किसी ग्रोह से ज़्यादा राह पर होंगे। फिर जब उनके पास डर सुनाने वाला आया तो उससे ना ज़्यादा हुई सिवाय नफ़रत के, यानी उनसे नफ़रत ही ज़्यादा हुई, मोहब्बत जो है वो ज़्यादा ना हुई। यानी नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज़्ज़ती से पहले कुरैश ने यहूद व नसारा के अपने रसूलों का ना मानने और उनको जुटलाने की निस्बत कहा था कि अल्लाह ताला इन पर लानत करे कि उनके पास अल्लाह की तरफ से रसूल आए और उन्होंने उन्हें जुटलाया, उन्होंने उनकी तकज़ीब की, ना माना। और खुदा की कसम अगर हमारे पास कोई रसूल आए तो हम उनसे ज़्यादा राह पर होंगे, उनसे ज़्यादा मानेंगे और उस रसूल को मानेंगे और इनके बेहतर ग्रोह पर सबकत ले जाएंगे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ईमान ना लाया और ईमान ना लाकर और हक पर ना आकर आपकी नबूवत को ना तस्लीम कर कर अल्लाह ताला के इस वादे को तोड़ दिया तो वो काफिर हो गए। अब छठा कौल ये है, जिस अहद का यहाँ पे, जिस वादे का यहाँ पे जिक्र हुआ है, इससे मुराद ये है कि उनको अकल अता की और इस अकल में ये सलाहियत रखी कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाएं। फिर उनको हुक्म भी दिया और नसीहत भी की कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाकर अपने आप को खसारे से बचा लो, लेकिन उन्होंने अपनी अकल से काम नहीं लिया। अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाकर अपने आप को खसारे से बचा लो, लेकिन उन्होंने अपनी अकल से काम न लिया, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान न लाकर वादे को तोड़ दिया। और सातवां कौल ये है, इसका आया करीमा में जिस अहद का जिक्र है, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने इस तरह बयान किया है, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहून अलल लदीन कफरू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। और जब उनके पास अल्लाह की वो किताब कुरान आई जो उनके साथ वाली किताब यानी तौरात की तस्दीक फरमाती है, और इससे पहले
और इससे पहली वो इस नबी के वसीले से, यानी इससे पहले वो नबी के वसीले से काफरों पर फतह मांगते थे, तो जब तशरीफ़ लाया उनके पास वो जाना पहचाना नबी, उससे मुनकर हो बैठे, तो अल्लाह ताला की लानत मुनकरों पर हो। यानी वो लोग, अब ये इस आयत में बताया जा रहा है, यानी वो लोग जब नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले आपके वसीले जलीला से दुआ मांग कर फतह हासिल करते थे, आपके आने के इंतज़ार कर रहे थे, ये पुख्ता वादा कर रहे थे कि आपके आने के बाद आप पर ईमान लाएंगे, लेकिन आपके आने के बाद वो हसद और इनाद की वजह से आप पर ईमान ना लाए, आपकी नबूवत का इनकार कर दिया, आप पर ईमान ना लाकर वादे को तोड़ दिया, तो यहाँ से ये पता चलता है कि उन्होंने वादा तोड़ा। तो यहाँ पे जितने अकवाल जिक्र हैं ये तमाम के तमाम मोतबर हैं, क्योंकि फासिकीन से मुराद कुफार हैं, और कुफार की अलामात बयान की जा रही हैं कि वो अल्लाह ताला से पुख्ता वादा करने के बाद वादे को तोड़ देते हैं, लिहाजा जिस वादे को भी तोड़ने से कुफर लाजिम आए वही यहाँ पे वो कुफर मुराद है। तो ये सारे साथ के साथ अकवाल इस पे सादिक आते हैं। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वयक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अय्युसला, और काटते हैं उसको जिसको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को जोड़ने का हुक्म दिया है वो क्या है, तो इसके लिए काजी बिजावी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया इससे इंसान कई मिसालें खुद समझ सकता है, ताहम चंद मिसालें भी बयान की गई हैं और इनको भी यहाँ पे बयान किया जा रहा है, और ये ख्याल रहे कि यहाँ फासिकीन से मुराद कुफार हैं, इसलिए मिसालों में जो गुनाह कबीरा जिक्र होंगे उनसे मुराद उनको जायज़ समझकर उनका इर्तिकाब करना, क्योंकि किसी गुनाह को जायज़ समझना कुफर है, तो जब उन्होंने इन कामों को जायज़ समझकर किया तो वो काफिर हो गए, दार इस्लाम से बाहर हो गए। यहाँ ये कौल एहतमाल है, या यही इस कौल पे कवि एहतमाल है कि हर वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब करती है और अल्लाह ताला इससे दूर रहने को नापसंद फरमाता हो, इससे दूर रहना ही कता करना है और इस पर कायम रहना ही उसे जोड़ना है, और हर वो काम जिसमें खैर हो उसे छोड़ना और बुराइयों का हसूल उन पर अमल करना, दर हकीकत जिन चीज़ों को रब ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है उनको तोड़ना है। तो इस असल में सबसे बड़ा मकसद ये है कि इंसान अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ जोड़े, तमाम किस्म के ताल्लुकात जोड़ने से यही ताल्लुक़ जोड़ना बहुत अजीम है, यानी नेकियों को छोड़ना और बुराइयों का इर्तिकाब करना और इन्हें जायज़ समझना इंसान को अल्लाह ताला से दूर कर देता है और काफिर बना देता है। तो जो रब ताला से ताल्लुक़ तोड़ने के ज़राए हैं, तमाम किस्म के ताल्लुकात को तोड़ने से बहुत अजीम जुर्म ये है कि इंसान अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ तोड़े। अब तोड़ने जोड़ने की चंद मिसालें यहाँ पर आपके सामने बयान की जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तकुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखते हो। यानी फरिश्तों को या हदीस शरीफ में जो रिज़्क़ की कुशादगी चाहे उसके बारे में आया है कि सिला रहमी करे और रिश्तेदारों के हकूक़ का लिहाज करे। यानी जो आदमी चाहता है कि रिज़्क़ में कुशादगी हो, उम्र में जो है वो उम्र उसकी दराज हो, तो उसे चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, सिला रहमी करे और रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करे। तो अब वाज़े हुआ कि कता रहमी को जायज़ समझना ये बायस कुफर है, क्योंकि ये गुनाह है कि कोई आदमी अगर सिला रहमी नहीं करता तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, लेकिन अगर इसको जायज़ समझ के करता है तो वो काफिर हो जाता है, तो इस सबब से अल्लाह ताला की लानत का वो मुस्तहिक बन जाता है। और सिला रहमी का जिक्र अहदीस में मुबारका में भी आता है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रहम मुश्तक है रहमान से, अल्लाह ने फरमाया जिसने तुम्हें मिलाया मैं उसे मिलाऊंगा, और जिसने तुम्हें कता किया, तुम्हें काटा, तुम्हें तोड़ा, मैं उसे कता करूंगा, उसे तोड़ दूंगा। अलामा सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया इससे मुराद कराबतदारों और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ है, ख्वा वो किसी किस्म का भी हो। तो इस हदीस पाक से हमें यह पता चलता है कि अल्लाह ताला ने रहम को ख़िताब करते हुए फरमाया जिसने तुम्हें जोड़ा यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ को जोड़ा, मैं उसका ताल्लुक़ अपनी रहमत से जोड़ूंगा,
اور جس نے تمہیں منقطع کیا تمہیں توڑا، یعنی جس شخص نے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑا، میں بھی اس کا تعلق اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم عرش سے، یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے وہ رحم جو عرش سے معلق ہو کر کہتی ہے کہ جس نے مجھے ملایا، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہے، جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے، جس نے مجھے توڑا اللہ تعالی اسے توڑے، یعنی اسے اس کا رشتہ جو ہے وہ ختم کرے اللہ کی رحمت سے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تعالی اپنی رحمت کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کے ساتھ اپنی رحمت کا تعلق توڑ دیتا ہے۔ اور رحم میں کون کون سے رشتہ دار مراد ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ تعالی کی کتاب میں ہے کہ اولو الارحام بعض سے زیادہ حقدار ہیں، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو تمہارے قریبی ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوا کہ ذو رحم محرم، یعنی وہ رشتہ دار کہ جو خونی رشتہ دار ہیں یا دودھ والے رشتہ دار ہیں، یعنی دو رشتہ داروں میں سے ایک کو مذکر تصور کیا جائے، دوسرے کو مؤنث تصور کیا جائے، تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان کو محرم کہتے ہیں۔ یا زیادہ قریبی رشتہ دار، اسی طرح وراثت کی ترتیب کے لحاظ سے بھی قرب اور بعد کا لحاظ کیا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ جوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، توڑنے کا نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرے، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس سے قطع تعلق کیا جائے، قطع رحمی کی جائے، پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی ایک آدمی لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی اس وجہ سے کرتا ہے، تعلق اس وجہ سے جوڑتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، اگر وہ اس کے ساتھ توڑتے ہیں تو یہ بھی توڑتا ہے، تو یہ بدلہ ہوا، یعنی اگر وہ آدمی اس کے ساتھ توڑتا تو یہ اس کے ساتھ جوڑتا، تو یہ اصل میں صلہ رحمی ہے، وہ اس کے ساتھ جوڑتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ جوڑتا ہے، یعنی دیکھا دیکھی کرتا ہے، وہ توڑے تو یہ بھی توڑتا ہے، تو یہ پھر صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے، اس کا پھر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پہ صلہ رحمی کے متعلق پھر جو ہے اپنے مقام پہ وضاحت انشاءاللہ عز و جل آئے گی، جب اس طرح کی آیات آئیں گی تو وہاں پہ جو ہے وہ صلہ رحمی کے بارے میں پوری تفصیل بیان کی جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بیان کی جا رہی ہے، منافقوں کی 6 علامتیں ہیں، ایک بات کریں تو جھوٹ بولیں، ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کریں، کسی سے وعدہ کریں تو خلاف ورزی کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں تو توڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیں، اور زمین میں فساد پھیلائیں، جو اس تفسیر سے یا اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے، ایک عملی نفاق ہوتا ہے۔ اعتقادی نفاق یہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور عملی نفاق یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے بات کرنے، یا امانت کھا جاتا ہے، یا وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ جو ہے وہ عملی نفاق ہے جس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن جو عقیدے کی وجہ سے عقیدے میں نفاق رکھتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو اس آیہ کریمہ میں فاسقین یعنی کفار کا ذکر ہے، اور اس کی یا ان کی یہ تیسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، زمین میں امن کے خواہاں نہیں ہیں بلکہ فساد پھیلانے کے خواہاں ہیں۔ تو زمین میں فساد پھیلانے کا سبب کیا ہے؟ تو ان کے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے بھی ایک ضابطہ موجود ہے جس کے ضمن میں کئی مثالیں پائی جاتی ہیں، وہ ضابطہ یہ ہے وہ ہر ایسی مصیبت کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس کے نقصانات متعدی یعنی آگے پھیلنے والے ہیں، اور ان کے فسادات کی بڑکائی ہوئی آگ کی چنگاریاں دور دور تک پھیل جاتی ہیں، ان کے شر اور فساد کی لپیٹ میں تمام ملک آ جاتا ہے جس سے کوئی مقام محفوظ نہیں رہتا۔ اب ان کے فساد کے متعدی یعنی آگے پھیلنے پر جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے ان کے فساد کو
यहाँ पे युफ्सिदूना से ज़िक्र किया है, तो इससे मतलब ये है कि उनके फसाद की जो नहूसत का असर है वो पूरी ज़मीन पे पड़ता रहता है। उनके फसाद की पहली मिसाल ये है कि उनके फसाद फैलाने का तरीक़ाकार ये है कि वो दूसरे लोगों को भी कुफर की तरफ बुलाते थे, कुफ्रिया अकायद व आमाल को मुज़य्यन करके दिखाते और उसकी रग़बत दिलाते और ये कहते कि यही राह हक है, यही सिरात मुस्तकीम है, इस पर चलने वाले मालदार हैं और दीन इस्लाम पर चलने वाले गरीब हैं। उनकी गुरबत से ही समझ आ रहा है कि हमारा तरीका दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है और जिसको अल्लाह नेमतों से नवाजता है वही हक है, वही दुरुस्त है। इस तरह की खूबसूरत बातों से वो लोगों को कुफर पर बरंगेख्ता करते थे। तो आज तक यही तरीका चला आ रहा है दीन इस्लाम की खिदमत गुजारों को। अयाश तबका, यहूद व नसारा से मोहब्बत करने वाला ग्रोह हर वक्त तानो तशनी का निशाना बना रहा है। यही फसादी लोग हैं कि जिनके मुतादी यानी जिनके फसाद के आगे फैलने की लपेट में अकवाम आलम जहान की तमाम कौमें मुबतला हैं। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे के मुताबिक उलमा को ये फसादी कहते हैं, क्योंकि अक्सर उलमा गरीब होते हैं। तो ये लोग जो है वो उलमा को कहते हैं कि इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास दौलत नहीं है, इनके पास नेमत की फरोवानी नहीं है, इस वजह से ये लोग हक पर नहीं हैं। तो इस तरह लोगों को, सादे लोगों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका इनका ये है कि फसाद फैलाने का दूसरा तरीका ये है कि वो रास्ते में खौफ दिलाते और अल्लाह ताला और इसके रसूल की रज़ा की खातिर हिजरत करने वाले पर लूट मार करते थे, यानी जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है उसको खौफ दिलाते रहते थे। आए और सोचें कि इबादत गाहों पर हमला करने वाले, कत्लो गारत का बाजार गर्म करने वाले, नमाज अदा करने के लिए मसाजिद पर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड का पहरा लगवाने वाले और खौफ और डर पैदा करके मसाजिद से इबादत से रोकने की मज़मूम कोशिश करने वाले, कहीं इन्हीं की ज़ुर्रियत यानी इन्हीं की मानवी औलाद तो नहीं है? यानी ये सारे काम जो काफिर किया करते थे, फसादी किया करते थे, आज के दौर में भी अक्सर हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। तीसरा कौल या तीसरी मिसाल उनके फसाद फैलाने का मतलब ये है कि वो लोगों पर ईमान लाने के रास्ते तंग कर देते थे, कत्ल व गारत पर लोगों को बरंगेख्ता करते, रिश्वत के कल्चर और ज़्यादा मजबूत बनाते और रिश्वत के बाजार की हिफाजत करते थे। तो आप भी सामईन किराम खुदारा इंसाफ से काम लेते हुए ज़रा ये तो बताएं, क्या इस किस्म के लोग या इस किस्म के लोगों के लोग जो है वो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते? इस तरह के लोगों की क्या कमी है हमारे यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो काफिर तो नहीं हैं लेकिन काफरों के यार ज़रूर हैं, जो यहूदी तो नहीं हैं लेकिन उनके पैरोकार ज़रूर हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले उनके ताबेदार ज़रूर हैं। और चौथा कौल ये है कि इनके ज़मीन में फसाद फैलाने का मतलब ये है कि वो गुनाहों में मुबतला रहते हैं और कुरान पाक का इनकार करके और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाकर कुफर की राह को इख्तियार करते हैं और मुसलमानों की खेतियां बर्बाद करते हैं और मुसलमानों की नस्ल को ख़त्म करने में मसरूफ़ रहते हैं। तो मुसलमानों, सोचने समझने की ज़रूरत है, जिन ईसाइयों, यहूदियों और हनूद को तुम अपना खैर ख्वाह समझ बैठे हो, अपना मददगार समझ बैठे हो, उन्होंने तुम्हें सूद पर कर्ज देकर कंगाल कर दिया है, तखरीब कार उन्होंने खरीद रखे हैं, वो तुम्हारा माल बर्बाद कर रहे हैं, कत्ल तुम्हें करवा रहे हैं, तुम्हारी नस्ल को दीन से दूर लेके जा रहे हैं, कत्लेआम करवा रहे हैं, तुम्हारी नस्ल को कभी यूनिवर्सिटियों की तरफ, कभी जो है वो कॉलेजों की तरफ लेकर मुलहिद बना रहे हैं, तबाह होकर भी नहीं समझ रहे तो कब समझोगे? किसी बड़ी तबाही का इंतज़ार कर रहे हो ए मुसलमानों? तो याद रखो, जो लोग सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो वो एक स्टेज पे पहुंच के मुलहिद बन जाते हैं या एक स्टेज पे पहुंच के मुसलमानों की बहुत सारी चीज़ों का इनकार कर बैठते हैं। तो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों के साथ साथ दीनी माहौल भी फराम किया करें, उन्हें दीन इस्लाम की भी तालीम फराम किया करें, उन्हें कुरान और हदीस का इलम भी सिखाया करें और कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को किसी सही सुन्नी आलिम दीन के साथ मुंसलिक रखा करें ताकि उसका ईमान ना बिगड़ने पाए।
پانچواں یہ کہ ان کا زمین میں فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ایمان سے روکتے تھے، حق کا مذاق اڑاتے تھے، جن اچھے کاموں اور اچھے عقائد پر جہان کا نظام قائم ہے اور جہان کی صلاحیت ان پر قائم ہے اسے وہ تباہ کرتے تھے۔ آج بھی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ نظام عالم کو برباد کر رہے ہیں، اچھوں کو برائیوں سے یا اچھائیوں کو برائیوں سے بدلنے کی وہ کوشش میں لگے رہے ہیں، اور دین اسلام کے شعائر سے وہ مذاق اڑانے کے کوئی وقت ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ ٹٹولتے رہیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنا جذبہ اسلام پایا جا رہا ہے، کتنا جذبہ ایمان یا جذبہ رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پائی جا رہی ہے۔ کبھی ایک شک پہ اعتراض کر کے، کبھی ختم نبوت پہ اعتراض کرتے، کبھی قرآن کی گستاخی کر کے، کبھی کسی صحابی کی گستاخی کر کے کبھی امہات المومنین میں سے کسی کی گستاخی کر کے مسلمانوں کے ایمان کو ٹٹول رہے ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے گستاخیوں پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی تو پھر یہ جو ہے وہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں پہ ہلا بول دیں گے۔ اب یہاں پہ ان کے اور بھی اگر دیکھا جائے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، یہاں پہ سب طریقے یہاں پہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت سے روکتے، زمین میں امن و سکون، ہر قسم کی بلائی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں ہے۔ آپ کی اطاعت ہی شریعت ہے، انسان جب شریعت پر چلے تو وہ ظلم نہیں کرتا، عدل کو نہیں چھوڑتا، لیکن شریعت سے دور ہو کر انسان ظالم بن جاتا ہے، وہ انسان کی شکل میں خونخوار اور درندہ نظر آتا ہے۔ تو سامعین کرام توجہ فرمائیں، کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ جب تک نبی کریم کو اپنی اولاد، اپنے والدین تمام انسانوں سے زیادہ محبوب تر نہ مانیں، ایمان حاصل نہیں ہوگا، کامل ایمان حاصل نہیں ہوگا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ماننا ضروری ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا شہادت کا اعلیٰ مرتبہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں مخلوق میں، آپ کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں؟ ہاں ہاں یہی حقیقت ہے، جن کو مٹانے میں انگریز کا اعلی کار، نکھٹو، الو اور گدے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان کا درجہ دے رہے ہیں تاکہ ان نظریات کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا کر اطاعت رسول کو مٹا دیں، تاکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والا کوئی نہ رہے اور دین کے متوالے مٹ جائیں اور دین مٹ جائے۔ اس طرح یہی کوشش ابتدائے اسلام سے لے کر آج دن تک جاری ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے لیکن دین اسلام کو نہیں مٹا سکیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو نہیں مٹا سکیں گے۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے سب آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ مثالوں پر اعتراض کرنے والوں کے گمراہ ہونے اور فاسق یعنی کافر ہونے کا ذکر کیا، پھر ان کی صفات کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑنا یا وعدے کو توڑ دینا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑنا، اور زمین میں فساد پھیلانا، اب اس تمام چیزوں پہ جو عمل کرتے ہیں یا ان تمام وعدوں کو توڑتے ہیں اس کا نتیجہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر وہ شخص جسے اس کے اعمال پر کوئی اچھا بدلہ، نفع نہ مل سکے تو اسے جو ہے وہ خاسر کہتے ہیں، اسے نقصان اٹھانے والا کہتے ہیں۔ تو کیونکہ کافروں کو بھی ان کے اعمال کا کوئی نفع نہیں ہوگا، اس لیے وہ خسارے میں ہوں گے، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے خسارے سے محفوظ ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے۔ تو ان کے خسارے کی بھی چند وجوہ ہیں، آپ کے سامنے چار وجہ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے، بے شک وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہوں گے، ہر شخص کے لیے جنت میں مقام بنایا گیا ہے، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو اس مقام کو پا لے گا،
और अगर उसने नाफरमानी की तो इस मकाम से वो महरूम हो जाएगा और वही मकाम मोमनों को दिए जाएंगे। और इसी को अल्लाह ताला ने यूं जिक्र फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون, यही लोग वारिस हैं कि जन्नत फिरदौस की मीरास पाएंगे, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। दूसरी वजह यह है कि यहूद व नसारा ने अपनी शरीयत में नेक अमल किए, मुनाफिकीन की ज़ाहरी तौर पर की हुई नेकियां ज़ाया हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाकर कुफर इख्तियार करके अपने अमाल को बर्बाद कर दिया, जो इनके लिए खसारे का सबब बना। तीसरी वजह यह है जो तफ़सीरुर रहमान में है, उन्होंने अपने शहरों, मालों, अपनी अकलों को कुफर की वजह से बर्बाद करके रख दिया, जिसकी वजह से वो खसारे में पड़ गए। चौथी वजह यह है, इन लोगों ने अपनी असल पूंजी यानी रासुल माल यानी अकल को भी ज़ाया कर दिया। तो यकीनन जब असल माल ही ना रहे तो इस पर मुरतब होने वाले फ़वाइद भी ज़ाया हो जाते हैं, लिहाजा उन्होंने किताबुल्लाह पर ईमान लाने से दुनिया में हासिल होने वाले फ़वाइद और जन्नत में हासिल होने वाली नेमतों को कुफर की वजह से बर्बाद कर दिया। इसके बदले मौत के बाद कब्र में बिच्छू और सांपों के डसने का अजाब हासिल कर लिया और आखरत में जहन्नम का अजाब हासिल कर लिया, यही इनके लिए खसारे का सबब है। तो इस आयत मुबारका का माना, मफहूम, तर्जमा, तफसीर मुकम्मल हुआ। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह अगली आयत बयान की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।